शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा मेंबर बलविंदर सिंह भूतंडे मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल स्वतंत्र पार्टी है, बीजेपी के साथ गठजोड़ का जी अर्थ नहीं कि जो वह कहने पर सहमत हो, हम अपने एजेंडे पर ही चलते हैं और भाजपा अपने एजेंडे पर। बिल गवर्नमेंट लेके आती है किसी क्लास के लिए, उसके फायदे के लिए आती है या देश के फायदे के लिए आती है। ये बिल को बोला गया है ऑर्डिनेंस को कि ये किसानों के हित में है, सारे देश का किसान उसका विरोध कर रहा है, फिर ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या? अगर ले आए तो अब सिलेक्ट कमेटी को दे और उस पर जब सिलेक्ट कमेटी पे जाएगा तब वो उन लोगों को बुलाएंगे जो उस पर किंतु परंतु करते हैं, जिसकी शंकाएं हैं, और उन शंकाओं को दूर करेंगे, फिर उसके बाद पास हो सकता है। नहीं तो अगर जिसको कहते हैं भला है वो कहता मेरा बुरा है, तो फिर जो जब जिसका भला करते हैं वो कहता मेरा बुरा है, फिर क्यों देश को इतनी प्रॉब्लम में डाला? इसलिए बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। हम सब जगह बोल रहे हैं कि श्रोमणि अकाली दल बहुत ओल्ड पार्टी है, अंग्रेज के बेड़े से लड़ती है। सबसे पहला जब अंग्रेज था तब सा भगत सिंह के चाचा जी सा अजीत सिंह, उसने नारा लाया था पगड़ी संभार जट्टा पगड़ी संभार, जो अंग्रेज लुट रहा सी। फिर उस तो बाद शास्त्री ने कहा जय जवान जय किसान, देश अनाज PLC बाहर से मंगाता था, तब पंजाब के किसान ने देश का सारा पेट ठीक भर दिया। अब कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं, हमारे पास सरप्लस हो गया, इसका हमें लूट कर पंजाब के लोगों को, हरियाणा को लूटो को, किसान को लूट कर अब उसको छोड़ दिया। इसलिए ये बहुत बड़ी जाति है, इसलिए हम बिल्कुल इसको पास इसके खिलाफ जाएंगे। दोनों सदनों में विरोध करेंगे सर इसका? दोनों सदनों में होगा ताई विरोध है, बतौर पार्टी हम विरोध करेंगे। इनको समझाते रहे हैं, अगर समझ जाएंगे हमारी बात मान लेंगे ठीक है, ना मानेंगे तो फिर हम इंडिपेंडेंट पार्टी हैं। अलायंस का मतलब कोई पार्टी ऐसी तो होती नहीं कि जो वो कहता है वो माने, इनका भी अपना एजेंडा है, कई दफा अपना करते हैं, हम साथ नहीं होते, हमारा भी अपना एजेंडा है।